You, कि मिली बगावत हाँ बट बगावत टेक्निक के अलावा एंटरटेनमेंट है, न्यूनेस है, तो इसके बारे में बताइए द होलसम एंटरटेनमेंट दैट दीज डांसर्स आर ब्रिंगिंग. देखो न्यूनेस अच्छी बात है, हाँ. टेक्निक भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर एंटरटेनमेंट ना हो तो क्या फायदा? करेक्ट. कौन पैसा देगा? यू नीड एंटरटेनमेंट, राइट? आप भी करेक्ट है. एंटरटेनमेंट, ही हैज एग्रीड विद एवरीथिंग यू हैव ओनली सेड. आई एम वेटिंग टू एग्री विद एवरीथिंग यू आर गोइंग टू से. नो मैम, यू न्यूनेस मुझे नया ही देखना होता है. मैं हर चीज में अपने खुद को मैं मतलब इस तरह से अभी आज बड़े नए लग रहे हो. नेक्स्ट अवतार क्या है मुझे वो देखना है. सो आई एम लुकिंग फॉर समथिंग न्यू. आई ऑलवेज लुक फॉर समथिंग यूनिक. एंड डांसर तो सब होते हैं, अगर अपने पन में कुछ नया लेके आते हैं तो वो अच्छा होता है. नो, तो हम वही ढूंढ रहे हैं. बहुत बढ़िया. समथिंग एंटरटेनिंग, समथिंग विद ग्रेट टेक्निक, एंड अगर उसमें नयापन हो, अगर तीनों चीज साथ में हो तो वो होता है बेस्ट का अवतार. वाह वाह, बेस्ट का नेक्स्ट अवतार. और इन तीनों चीजों को जज करने के लिए हमारे ईएनटी स्पेशलिस्ट यहां पर है, ब्रिंगिंग अस सीजन 2 ऑफ इंडियाज बेस्ट डांसर. बट आई हैव अ क्वेश्चन कि जब आपको कोई सबसे ज्यादा इंप्रेस कर देता है तो एक बड़ी सी स्पेशल चीज आप ले आती हैं. आपने सही कहा. आप देखना चाहते हैं? हाँ जी, बिल्कुल. वो स्पेशल चीज क्या है? बिल्कुल बिल्कुल. एक से तो बिल्कुल नहीं चलता. नहीं, अच्छा, बिल्कुल नहीं. Oh. एक से काम नहीं चलता, राइट? रंजीत बोलो, यू वॉन्ट टू सी ये स्पेशल आउट क्या है? Yes. एक पप्पी से क्या होगा? अरे बाबा, एक पप्पी से कुछ नहीं होता है. कुछ नहीं. आई अग्री. यू अग्री? आई कंप्लीटली अग्री. लेके आइए. कहाँ है मेरा? कहाँ है? ले वेपन. माइंड ब्लोइंग हो जाता है तो ऐसे ही मिलियन मिलियन पप्पियां मिलते हैं आपको. क्या बात, क्या बात. बहुत आप ये क्या कलेक्ट कर रहे हैं? हाँ, कुछ लोग उठा के पॉकेट में भी कलेक्ट कर रहे हैं. वेरी गुड. हम यही चाहते हैं कि घर पे जाके बीजों में ये सबूत है कि मतलब की पप्पी मिली है हमें. बहुत खुश हो रहे हैं सब यहां पे. He has actually put some in his pocket. I saw. मास्क का बहाना मत कीजिए, आप तो गाल पे भी लेके घूम रहे हैं. हाँ, एक गाल पे भी है. क्या बात है. But what our audience is going to expect from season 2? Great dancing. सबकी कंप्लेन हमेशा होती है कि डांस बहुत कम है यार, एक्रोबैटिक्स बहुत ज्यादा होता है. एंड दिस सीजन एंड लाइक लास्ट सीजन हम एक ही चीज ढूंढते हैं, ज्यादातर डांसिंग होना चाहिए. डांसिंग में एक नयापन का तड़का हो और थोड़ा सा एंटरटेनमेंट का तड़का हो, बट डांसिंग की तादाद बहुत ज्यादा हो. सो दिस टाइम यू विल सी अ लॉट ऑफ डांसिंग एंड ग्रेट डांसर्स. एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली, जब पहले डांसर्स डांस करते हैं तो लगता है कि बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जब डांसर्स इतनी टेक्निक के साथ करते हैं तो वो बहुत ईज के साथ लगता है, तो एफर्टलेस लगता है, तो देखने में मजा आता है. सो दैट इज द काइंड ऑफ लेवल ऑफ डांसिंग हमें देखने मिलेगा इस शो पे. लेकिन जो मेहनत लगती है, दैट इज द पार्ट ऑफ द आइसबर्ग दैट्स अंडर द सर्फेस. करेक्ट, करेक्ट, राइट. And there's so many styles that have now come in. People are reinventing the whole dance form, digital. अपने आप सीख रहे हैं. आपने काफी सारी. आपको कितने styles आते हैं? मेरे 17 left feet हैं. मैं शादी में बहुत बढ़िया नाचता हूँ, non coordinated. 17 तो नहीं, थोड़े कम ही हैं. लेकिन हम भी सीखना चाहते हैं. सो वी आर हैप्पी जितना ज़्यादा वो स्टाइल्स लेके आते हैं, अलग लेके आते हैं, हमें सीखने का मौका मिलेगा. वी लुकिंग फॉरवर्ड टू लर्निंग समथिंग एंड encouraging them to bring some more to the table so that other people learn a lot. बहुत more. बहुत cool, so. ये सर क्वेश्चन जाता है या क्वेश्चन सिर्फ गीता जी बात कर सकते हैं, क्योंकि वो परमानेंट एम्प्लॉय बन गई है सोनी टीवी पे. तो प्लीज आप एक शो से दूसरे शो पे चले जाती है, सिर्फ वही आंसर कर सकती है. और वहां पर बोलती है मेरा शो सबसे बेस्ट है, सुपर डांसर. फिर दल बदलू बन जाती है, फिर हमारे शो पे थी हमारा शो अच्छा है. ये If Sony is providing a platform, अगर वो platform provide कर रहे हैं एक नहीं दो dance show के, और दोनों dance show पर मैं हूँ, तो मैं कहूँगी कि they are the best dance shows. For sure. एक बात. दूसरी बात, update करना पड़ता है मैम. मैं पढ़ाई करती हूँ, practical knowledge
शायद नहीं हो पाता है बहुत रीजंस की वजह से, लेकिन थियोरेटिकली आई वांट टू बी वेरी प्रिपेयर्ड. तो मैं स्टडी करती हूँ, कुछ चीज़ें मैं अनजान हूँ जिन चीज़ों से, ताकि जब मैं कोई बात कहूँ कंटेस्टेंट से तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आई एम टॉकिंग आउट ऑफ प्लेस. और मैं ये भी नहीं चाहती हूँ कि कोई कंटेस्टेंट पलट के ये बोले कि आपका क्या हक बनता है ये बोलने का. सो आई डू स्टडी, आई डू, और क्योंकि बैक टू बैक शोज थैंक गॉड इस वक्त काम मिल रहा है, एम्प्लॉयमेंट, तो आई डू माई होमवर्क. ऑल्सो जब वहाँ पे स्टडी नहीं हो पाता है, आई डू आस्क द कंटेस्टेंट्स ऑल्सो कि क्या आपने आज नया किया है, प्लीज़ हमें बताइए. तो स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, अपडेट करना बहुत ज़रूरी है, खुद को, सोशल मीडिया को कम, खुद को ज़्यादा. सो दैट्स व्हाट आई बिलीव इन. ये तो बस झलक था जो आपने देखा है यहाँ पे. इमेजिन क्या होगा पूरे, मतलब जब हमारा 12 जो आएंगे साथ में जब परफॉर्म करेंगे, इट विल बी अ धमाल, इट विल बी आउटस्टैंडिंग. और हाँ, बहुत ही ख़राब लगता है, बहुत ही बुरा लगता है जब किसी को कहना पड़ता है कि आप आपकी सफ़र यहाँ ख़त्म हो जाती है, आपको घर जाना है, या आपको आप आगे नहीं जा सकते हो. माई हार्ट ब्रेक्स एट दैट पॉइंट, बिकॉज जैसे आपने कहा, ईच वन ऑफ देम इज़ एक्सेप्शनल, एक्सेप्शनल टैलेंट, एक्सेप्शनल किड्स, बहुत सीखने को मिलता है इनसे. आई फील लुकिंग एट देम, आई लर्न अ सेंस ऑफ डिसिप्लिन फ्रॉम देम. सो येस, बहुत बुरा लगता है, बट एक प्लेटफॉर्म भी ऐसा कुछ है, राइट? इट गिव्स देम द चांस टू परफॉर्म, इट गिव्स देम अ चांस टू पेव द वे फॉर देम फॉरवर्ड, बिकॉज देर ऑल वेरी यंग, ऑल दीज किड्स. इट गिव्स देम एन अपॉर्चुनिटी टू गो आउट इन द वर्ल्ड एंड बी एबल टू डू समथिंग विद देयर लाइफ. सो आई जस्ट वॉन्ट टू विश ईच वन ऑफ देम, वेदर दे विन और डोंट विन, दैट्स इन मटीरियल. आई जस्ट वॉन्ट टू विश ईच वन ऑफ देम ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, एंड आई वॉन्ट टू सी देम रियली शाइन एंड गो वेरी वेरी फार इन लाइफ. दैट्स इट, दैट्स ऑल आई विश फॉर देम. ऑल्सो इट्स अ साइन ऑफ द टाइम्स. एक अरसा हुआ करता था जहाँ पे हम ऑडिशन एपिसोड्स, इफ यू रिमेंबर रंजीत आशीष, बहुत सारे फनी वाले आते थे, यू नो, थोड़े वियर्ड भी आते थे. इस बारी ऑडिशंस में वी डिडंट हैव एनी चांस टू लाफ, एवरीबॉडी वाज सो ब्लडी गुड, रिफाइंड, बहुत ही प्रशिक्षित, बहुत ही वेल ट्रेन्ड. सो इट वाज रियली द बैटल ऑफ द बेस्ट ऑफ द बेस्ट. सो द फॉर्मेट ऑल्सो, इफ यू सी द ऑडिशन एपिसोड, देयर इज नो प्लेस वेयर इट इज लाइक, हाँ थोड़ा मतलब मस्ती वाले लोग आए, थोड़ा बहुत एकदम कच्चे वाले टाइम पास. नो, एवरीबॉडी वाज सुपर गुड. And we had to give them that platform to at least perform it, you know. So it was very difficult to judge, very honestly. Yeah. It is, and it is very hard. If you even see social media, you realize amazing talent out there. So you, this is not just ki haan bolna hai to bolna, it's the truth of the times. Geeta, would you like to add anything? Eliminations or saying goodbye to someone is always difficult. But I believe also ki we'll take it day to day. हर दिन हर किसी का अच्छा नहीं होता, किसी ना किसी का कम अच्छा होगा, जो कम अच्छा होगा वो घर जाएगा. आई थिंक दैट्स व्हाट इट इज़. सो थैंक यू.